सो ही व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सचिन एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सर के फ्रिक्स। सो मेक श्योर के चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस आज की इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। करते हैं पहली स्टोरी की। तो पहली स्टोरी आ रही है टिकटॉक से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में रिसेंटली टिकटॉक को फुल्ली रूप से बैन कर दिया गया था, साथ ही बात चल रहा है यूएस में टिकटॉक को बैन करने से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्विटर ने परचेज करना चाह रहा है टिकटॉक को। बट ये अभी तक ऑफिशियली न्यूज नहीं है, बट लेट्स सी कि इसको कौन परचेज करता है। बट टिकटॉक से रिलेटेड एक और बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स बताया जा रहा है कि अंबानी टिकटॉक को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर टिकटॉक को अंबानी परचेज कर लेते हैं बन जाएगा जियो टॉक, और फिर से यहाँ पे इंडिया में अनबैन हो जाएगा एंड स्टार्ट हो जाएगा मुजरा। तो लेट्स सी, ये अभी तक ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल क्लेम कर रहे हैं कि अंबानी इसको परचेज करने वाले हैं, तो स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ आर्टिकल, तो इसको पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट या एवरीथिंग इज पॉसिबल, सो मे बी अंबानी परचेज कर सकते हैं। सो आपको क्या लगता है, आप कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सो बात करते हैं अगली स्टोरी की। अगली स्टोरी आ रही है सड़क टू ट्रेलर से रिलेटेड। तो वर्ल्ड वाइड ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है, जिसमें जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके ट्रेलर पे 9 मिलियन डिसलाइक आ चुका है। साथ ही बन गया है मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर इन द वर्ल्ड, ऑल्सो द मोस्ट डिसलाइक वीडियो इन द इंडिया, एंड या मोस्ट डिसलाइक वीडियो कैटेगरी में ये वर्ल्ड वाइड नंबर 4 पे आ गया है। बट ये पोजिशन चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से डिसलाइक का रेशियो चल रहा है, डेफिनेटली आई कैन से कि यहाँ पे पोजीशन डेफिनेटली चेंज होगा। साथ ही आलिया भट्ट जब इस ट्रेलर को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की, तो वहाँ पे कमेंट को आप देख सकते हैं डिसेबल कर दी है। तो गाइज डिसेबल क्यों की है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सो बात करते हैं अगली स्टोरी की। अगली स्टोरी आ रही है संदीप महेश्वरी से रिलेटेड। तो मैं रिसेंटली अपने वीडियो में बताया था संदीप महेश्वरी से रिलेटेड कि क्या इशू चल रहा है उनका, उनको ट्रोल किया जा रहा था ट्विटर पे। तो अगर वो वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन उसमें एक अपडेट ये है कि फाइनली संदीप महेश्वरी अपने ट्विटर हैंडल से रिस्पॉन्ड किए हैं। तो ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किए जिसमें वो बेसिकली बोले सॉरी, साथ ही ये भी बोले कि मेरा इंटेंशन नहीं था कि किसी को लाइक हर्ट करना, साथ ही उनका ये भी इंटेंशन नहीं था कि वो डिसरिस्पेक्ट करे संस्कृत लैंग्वेज को। और बेसिकली वो बताया कि ट्विटर में जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो फुली रूप से एडिट करके ऐसा शेयर किया जा रहा है जिसे कोई भी देखे तो ऐसा लग रहा है कि मैं संस्कृत लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पे ओरिजिनल वीडियो का लिंक दिए जो कि 30 अक्टूबर 2019 को रिलीज किए थे, हाउ टू चेंज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो अगर फुल वीडियो आपको देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो बात करते हैं अगली स्टोरी की। अगली स्टोरी आ रही है आमिर सिद्दीकी से रिलेटेड। तो आमिर सिद्दीकी रिसेंटली अपने इंस्टा में एक स्टोरी पोस्ट किए थे जिसमें वो बताए थे कि मेरा फर्स्ट यूट्यूब Q&A वीडियो आने वाला है। कल अपने इंस्टा स्टोरी में एक पोस्ट शेयर किए के 4:30 बज गए, लेकिन ये बंदा मानने को रेडी नहीं है कि शूट स्टॉप कर दे। आमिर भाई मुझे घर भी जाना है भाई, अमरनाथ रहता हूँ भाई, खत्म करना है कि नहीं, जल्दी करो यार, पक्का ओके भाई, चलेगा डन। तो इसे ये कंफर्म हो जाता है कि जल्द ही उनका Q&A वीडियो आने वाला है। बट यहाँ पे अब ये कौन फैला रहा है कि मिस्टर फैजू और जन्नत जुबेर का रिकॉर्ड आमिर सिद्दीकी का ये वीडियो डेफिनेटली तोड़ देगा। तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो मिस्टर फैजू वीडियो पोस्ट किए थे उसमें 3.6 मिलियन डिसलाइक है। तो एक फन फैक्ट आपको बता दूं कि जो भी टिकटॉकर आकर यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर रहा है उसके वीडियो में आप देख सकते हैं डिसलाइक रेशियो हमेशा ज्यादा रहता है। तो आपको क्या लगता है इस रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं गेमिंग कम्युनिटी न्यूज से। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी न्यूज है। तो सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है टोटल गेमिंग की तरफ से। टोटल गेमिंग अपने चैनल पे Q&A वीडियो पोस्ट किए थे जिसमें बेसिकली वो बात किए थे फेस रिवील से रिलेटेड और अपने अर्निंग से रिलेटेड। तो आइए उनके वीडियो से एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। द लेजेंड भाई, प्रियम भाई, पठान भाई, बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है अजय भाई कि फेस रिवील कब होगा। ओ भाई साहब, ये बहुत डेंजर सवाल है। वैसे मैंने ही चूज किया है और आपको भेजा है, बट मैं बता दूं मैं फेस रिवील गाइस करने वाला हूं 2023 के बाद। 2023 या 2025 में मेरा फेस रिवील होगा। तब तक मैंने सोचा भी नहीं कि मैं फेस रिवील करूंगा, बट अभी के लिए मैंने सोचा कि 2023 या 2025 में फेस रिवील होगा। तो जो लोग अपने दिमाग से सोच रहे हो कि यार 10 मिलियन पे अजू भाई करेंगे या 11 मिलियन पे करेंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है गाइस कि मैं 10 या 11 मिलियन पे वो करूंगा फेस रिवील, तो ये कोई सीन नहीं है। तो आप लोग यार वेट करो, 2023 या 2025 तक फेस रिवील मेरा आ जाएगा। योर यूट्यूब इनकम कितना कमाते हो? ओके, तो मेरा इनकम मैं क्या बोलूं अब गाइस, देखो मान के चलो इनकम का मैंने तुम्हें एक अंदाजा देता हूँ।
में पर मंथ आप मान के चलो मैं 4 से 5 आईफोन 11 प्रो मैक्स ले सकता हूँ, तो आप हिसाब लगा लो। आइस कैलकुलेटर खोलो, चलो जुगाड़ कर लो कितना हुआ। ठीक है, तो आप सभी को क्या लगता है टोटल गेमिंग को लेकर, क्योंकि अभी करंटली इंडिया का नंबर 1 गेमिंग चैनल है और सेकंड नंबर पे आ गए हैं डायनेमो। तो अब मैं बात करने वाला हूँ स्काउट से रिलेटेड। तो स्काउट का लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम सेट किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 358K लाइव वाचिंग आ रहा था, जो कि अभी तक का गेमिंग कम्युनिटी में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो कि स्काउट अपने नाम कर लिए हैं। इस पे रिएक्ट करते हुए स्काउट अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किए, अनदर डे अनदर माइलस्टोन कम्प्लीटेड, 350K लाइव वाचिंग ऑन यूट्यूब। और स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि 358K लाइव वाचिंग आ रहा था। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू स्काउट। साथ ही स्काउट अपने लाइव में कल टिवक किए, जिसमें कैरी मिनाटी भी रिएक्ट किए। तो आइए देखते हैं वो कैरी मिनाटी का रिएक्शन। आइए, मैक्सिकन गाने चला रखे हैं बैकग्राउंड में भाई ने। हाँ भाई, कर रहा हूँ हो गया भाई, कर रहा हूँ हो गया भाई, कर रहा हूँ हाँ भाई, कर रहा हूँ हाँ कर रहा हूँ ओ भाई, ये कौन सी फील्ड में आ गए यार तुम। तो अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड, जिसमें बता दूं कि हनी सिंह का एक सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है बिल्लो टू आग, जो कि 17 अगस्त को ये रिलीज होगा। तो अपने इंस्टा स्टोरी के थ्रू ये जानकारी दी है, जिसमें काफी बड़े बड़े यूट्यूबर भी रिएक्ट किए हैं। सी कि ये सॉन्ग कैसा होता है, तो आप कितना एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हिंदुस्तानी भाव का एक नया म्यूजिक सॉन्ग आ रहा है जो कि 15 अगस्त को रिलीज करेंगे, उसका नाम है नाम इंडिया। देखने वाला ये होगा कि हिंदुस्तानी भाव का ये पहला सॉन्ग कैसा होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही लक्ष्य चौधरी अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली वो बात किए हैं फेक फॉलोअर, फेक सेलिब्रिटी, फेक व्यूज के रिलेटेड। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, इस पे फुल्ली तरह से वो वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अपने इंस्टा स्टोरी में बहुत सारी चीज पोस्ट किए हैं। तो बेसिकली लक चौधरी का जो वीडियो होने वाला है वो ये होगा, जिसमें टिकटॉक का बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जो अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बताते हैं, उनका बेसिकली वो रोस्ट करने वाले हैं कि किस तरह से वो फेक फॉलोअर गेन करते हैं, फेक व्यूज लाते हैं, लाइक दैट। तो आई थिंक ये कंट्रोवर्सी वीडियो हो सकती है, सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो लेट्स सी कि ये वीडियो कब पोस्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे वीडियो पोस्ट करेंगे आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। सो अब बात करते हैं आज के ट्रेंडिंग सेक्शन की। तो आप देख सकते हैं कि YouTube इंडिया में ये ट्रेंड कर रहा है। तो आपको बता दूं कि जिस दिन मैं वीडियो पोस्ट करता हूं उसी दिन का ट्रेंडिंग सेक्शन होता है, और मैं टॉप 10 ट्रेंडिंग सेक्शन कवर करता हूं। ट्विटर इंडिया में ये ट्रेंड कर रहा है, गूगल सर्च ट्रेंड में ये ट्रेंड कर रहा है। सो एक इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आप मुझे कोई न्यूज भेजना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से इजीली भेज सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतनी स्टोरी थी, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज मी सचिन फ्रॉम सर्किट फ्री कैनल, सी यू एट द नेक्स्ट ऑन।